नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। जिस तरीके से मार्केट में बड़ी तेज गिरावट देखने में दे, तो एक के बाद एक सारे ग्रुप के शेयरों के नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ पे जिस तरीके से बजाज ग्रुप के दो दिग्गज स्टॉक जो कि निफ्टी में लिस्ट है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, अब यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के जो संकेत है वो कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, आज के दिन इन स्टॉक्स में भी प्रेशर देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न है, तो आज यहाँ पे लगभग 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 6,537 के लेवल पे स्टॉक बंद हुआ, 210 रुपये की बड़ी गिरावट थी। दिन की रेंज की बात करें ऑलमोस्ट 6,700 का हाई था और 6,500 का लो। इंट्राडे में एक रिकवरी डेफिनेटली आपको आती हुई दिखाई दे, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में मार्केट बंद होते तक फ्राइडे था। ये भी माना जा सकता है कि शायद कोई भी अपनी पोजिशन होल्डिंग की जो है वीकेंड पर नहीं ले जाना चाहता हो, इसलिए यहाँ पर आपको एक सेकेंड हाफ में प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से यहाँ पर एक अच्छा गिरावट का माहौल देखने मिल रहा है। 8,050 का हाई लगा था और वहां से अब स्टॉक ऑलमोस्ट 1,500 रुपये नीचे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ पे आपको एक और बड़ी गिरावट जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसको अगर हम चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे आपको एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। सेलोन राइस का भी ये स्टॉक जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। आज भी एक गैप डाउन हुई स्टॉक में, यहाँ पे करेक्शन आया, 6,500 का लो लगा, उसके बाद एक रिकवरी इंट्राडे में जरूर आई थी, लेकिन सेकेंड हाफ में पूरी की पूरी वो फिजल आउट होती हुई दिखाई दी और दिन के लो पॉइंट के आसपास ही जाके कहीं ना कहीं स्टॉक ने बंद किया। लेकिन अब हम अगर इसको डेली चार्ट में देखने की कोशिश करते, कल हमने बात की थी आईसीआईसीआई बैंक की, जहां 200 डीएमए टूटता हुआ दिखाई दिया, वहीं अब आप यहां पे देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का भी जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं 200 डीएमए को वायलेट करने के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहां देख सकते हैं जब से ये स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर जाने की कोशिश करा और ऊपर जाके क्लोज हो रहा है लगातार, तो 200 डीएमए में ही सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। आप यहां पे चाहे देखें अक्टूबर 2020 का लेवल, चाहे आप यहां देखें अप्रैल 2021 का लेवल, 200 डीएमए में ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा था। और इवन यहां पे अभी लास्ट टाइम अगर हम देख रहे हैं दिसंबर 2021 के आसपास, जब 6,500 के आसपास 200 दिन के एवरेज को टच करके ये फिर से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन फाइनली अभी पिछले 4-5 सेशन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ये स्टॉक कामकाज करने की कोशिश कर रहा है और आज फाइनली जो क्लोजिंग है इसकी, इसके नीचे आते हुए दिखाई दिया। और अभी इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें, 6,750 के आसपास का जो लेवल है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और जब ये सारे एवरेजेस की जो लाइनें हैं वो इस 200 दिन के एवरेज को नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देती है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो करेक्शन है वो और गहरा सकता है और उस कंडीशन में फिर ये स्टॉक एक बार 6,000 की रेंज में जाने को तैयार होता हुआ जरूर दिखाई देगा। और उस कंडीशन में आपके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो बनेगा 6,000 रुपये के आसपास का, जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि क्या ये स्टॉक आपको 6,000 रुपये के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देने वाला है इन फ्यूचर या अगले आने वाले कुछ हफ्तों में। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसकी अगर यहाँ पे दुनिया भर में टेंशन खत्म नहीं होता और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इसी तरह से कंटिन्यू रहता है तो फिर एफआईएस की और बाकी लोगों की भी जो सेलिंग है इन बड़े स्टॉक्स पे आएगी। और आपने देखा है कि बजाज फाइनेंस जब गिरता है तो किस तरीके से यहाँ पे जो बड़ी गिरावट है वो आती है, तो यहाँ पे सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। पिछले 1 महीने से इस स्टॉक ने लगभग 7,200 और 6,600-7,000 के लेवल पर इस स्टॉक ने एक बड़ी रेंज बनाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो रेंज जो है वो अब नीचे की तरफ टूटती हुई दिख रही है। आप यहां पे अगर एमएसईडी के लेवल को भी देख रहे हैं तो एमएसईडी में भी ये स्टॉक लगातार नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है, सिग्नल लाइन के लगातार नीचे एमएसईडी लाइन बनी हुई है, तो कोई यहाँ पे रिकवरी के जो संकेत है फिलहाल देखने नहीं मिल रहे। आरएसआई के भी नंबर को आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं 37 के आसपास बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं 30 या उसके नीचे भी जाता है ओवरसोल्ड होने के लिए, तो यहाँ पे एक बड़ा रूम जो है वो आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टॉक इसी ग्रुप की, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ऑलमोस्ट एक जैसा ही मूव ऊपर या नीचे की तरफ दिखाते हैं। 15,333 के लेवल पे आज के दिन यहाँ क्लोजिंग आई है, 370 रुपये की बड़ी गिरावट, 19,325 का हाई लगाया था और उसके बाद से यहाँ पे अब यहाँ पे स्टॉक 15,300 के लेवल पे आ गया है, यानी कहने के ऊपर से 4,000 पॉइंट का बड़ा करेक्शन हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से लेवल ये वॉयलेट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी बड़ी गिरावट के संकेत जो है वो कहीं ना कहीं आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक की आज की रेंज की भी बात कर रहे हैं तो आज यहाँ पे
15,212 दिन की रेंज थी और 15,672 अपर रेंज थी। तो कहने के बड़े स्विंग्स जो है यहाँ पे भी आपको आज इंट्राडे में देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम इस स्टॉक को चार्ट पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लेवल्स है, तो अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 दिन की एवरेज को इस स्टॉक ने वॉयलेट नहीं किया और अभी भी बिल्कुल 15,200 के सपोर्ट लेवल को ये स्टॉक अभी भी होल्ड कर रहा है। पिछले कई दिनों से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 15,200 के आसपास आके ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार होल्ड होने की कोशिश कर रहा है। और आज भी यहाँ पे बजाज फिनसर्व जो है फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की तुलना में थोड़ा मजबूत आपको फिर भी दिखाई दे रहा है, हालांकि गिरावट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिली है। अब ये आपको देखना होगा कि क्या ये 200 दिन के एवरेज की लाइन जो है लगभग जो कि अभी चल रही 15,232 पे, उसके नीचे जाके क्लोज होने की कोशिश करता है। यानी अगर ये लाइन टूटती है 15,200 का लेवल और 200 दिन का एवरेज अगर ये दोनों एक साथ टूटता है नीचे की तरफ, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट जो है आपको देखने मिल सकती है। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रैली जो थी वो इस स्टॉक में निचले लेवल से देखने को मिली थी। पिछले एक डेढ़ सालों में अगर आप यहाँ देख रहे हैं निचले लेवल से लगभग 3-4-5 गुना तक ये स्टॉक होता हुआ दिखाई दिया था। तो अब अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार के लेवल टूटते हैं तो आपको एक बड़ा करेक्शन जो है इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। और बजाज फाइनेंस की तुलना में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो बजाज फिनसर्व में जो गिरावट होगी वो ज़्यादा तेज और ज़्यादा शार्प हो सकती है। और कहीं ना कहीं इस गिरावट में आपको 12-13 हज़ार रुपये तक के भी जो लेवल है नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं। यानी कि बजाज फिनसर्व जो है यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट की बड़ी गिरावट जो है सडनली आपको बहुत ही कम टाइम में दिखाता हुआ दिख सकता है अगर ये लेवल नीचे की तरफ वॉयलेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको संभल के रहने की जरूरत जरूर है कि आपका यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे आप अगर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, दोनों साइड ही बड़े मूव देने के लिए स्टॉक जाना जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर गिरावट होती है तो फिर आपको यहाँ पे बड़े डाउनसाइड के लिए तैयार रहना होगा। अभी जिस तरीके से यहाँ पे RSI पे भी लेवल चलते हुए दिख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40 के आसपास का RSI जो लेवल है वो बजाज फिनसर्व का बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर गिरावट आती है तो बहुत तेज जो है यहाँ पे शार्प सेलिंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक बार बनती हुई दिख सकती है। और उस कंडीशन में फिर हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 12-13 हज़ार रुपये तक के जो लेवल है फिनसर्व के, बजाज फिनसर्व के, वो आ सकते हैं। MACD में भी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव संकेत जो है वो आपको बनते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि कौन से शेयर में कब कितनी गिरावट आएगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इम्पॉर्टेंट संकेत जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी स्टॉक में, जिसको देख के प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे स्टॉक अब गिरने को तैयार है या नहीं है। तो दोस्तों यही चीज़ समय के आसपास अगर पता चल जाए तो बचाना आसान हो जाता है। तो वही चीज़ की मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल के, अपने वीडियो के द्वारा, कि सही समय पे कोई स्टॉक के बारे में अगर पता चल जाए तो मैं अपने चैनल पे डाल दूँ, ताकि आप लोगों को भी सही समय रहते उन स्टॉक्स के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो की एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।